अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप मज़े में होंगे। तो ये देखिए जी, मैं बनाने रखी हूँ आज आलू और गोभी का सालन। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, प्याज ब्राउन हो गए हैं, बस थोड़े ऐसे और होंगे, फिर मैं इसमें तमाम मसाले वगैरह शामिल कर दूँगी। मसाले मैंने ये डाल लिए, बस लहसुन अदरक रह गया। ये देखिए तमाम मैंने वो कटिंग कर ली है, और मसाले वगैरह भी, टमाटर मिर्चें वगैरह भी। तो ये देखिए जी, इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं मसाले। इसमें पानी डाल के प्लेट को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये देखें जी, चिकन मेरे पास थोड़ा सा फ्रीज में पड़ा था, तो मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया। मैंने कहा पहले गोभी का थोड़ा जायका हो जाएगा, तो एक फूल गोभी का था, आई थिंक 1 kg होगी, और 3-4 मैंने आलू डालने हैं। तो ये बड़ा मज़े से हमारा सालन तैयार हो जाएगा। ये देखें, तो ये देखें जी, सब्ज़ी शामिल कर दी है मैंने, तो अब इसको अच्छे से भूनते हैं ताकि हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी हंडिया तैयार हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर। ये एक फूल बड़ा रह गया, ये देखिए। चलें जी, इसकी बनाई करते हैं अच्छे से। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी आलू गोभी हो रही है तैयार, और इसकी मैं कर रही हूँ अच्छे से बनाई। अभी मज़ीद इसकी बनाई होगी, ये देखें अभी पानी है, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर इसमें मैं हल्का सा पानी लगा के इसको कवर कर दूँगी 10-15 मिनट के लिए, और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और मेरी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें, लाइक किया करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को कर लें वॉच। ये देखिए, वाओ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये देखो जी, मज़ेदार सी बनाई हो रही है इसकी। बस अभी थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, इसको कवर करने लगी हूँ। पानी डाल दिया है, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, कवर कर दिया है, तो थोड़ी देर बाद आके इसको चेक करते हैं। तो ये देखें जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तो हमारी आलू गोभी तैयार हो गई है, रोटियाँ मैंने साथ साथ बना ली हैं। तो ये देखें जी, तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा आलू गोभी का सालन है। ये देखें, बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय का इजहार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।